मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में शराब ठेकेदार द्वारा मीडिया कर्मी को जान से मारने की धमकी देने के बाद मीडिया जगत सहित क्षेत्र के लोगों में जमकर आक्रोश व्याप्त है। आक्रोश स्वरूप अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन मंदसौर द्वारा आरोपी शराब ठेकेदार व सरपंच पति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर जिले के पूर्व सैनिक संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा एकत्रित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नाहरगढ़ थाने के उप निरीक्षक भीम सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। अवैध शराब की खबर प्रकाशन से बौखलाकर फोन पर जान से मारने की धमकी दी तो वहीं अपने नौकरों से गाड़ी चढ़वाकर खत्म करने की भी बात कही। उक्त मामले से आक्रोशित सभी पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने नाहरगढ़ थाने में एकत्रित होकर आरोपी पर कड़ी कार्यवाही की मांग का ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के जिले के कई पदाधिकारी गण मौजूद रहे। तथा अपने नौकरों से गाड़ी चलवा कर मरवा देने की धमकी पुकार आरोपी द्वारा दी गई। मंदसौर जिला के अतिरिक्त भी अन्य जिलों में 7-8 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के पश्चात भी आरोपी क्षेत्र में विस्फोट होता रहा है, जिससे जनता भयंकर आक्रोश में है और घटना के इतने समय बीत जाने के बाद भी आरोपी को द्वारा गिरफ्तार नहीं किया। ध्यान भी तो होने को बात करनी बड़ी कमजोरी मौके आ जाएंगे। विशेष द्वारा जर्मन सोनी के छोटे भाई पत्रकार राजेंद्र सोनी को गाली गलौज और जान से मार देने की धमकी देने बाबत निर्धारी निवासी नाहरगढ़ शराब ठेके के ठेकेदार नितेश बाछड़ा निवासी निर्धारी के द्वारा मेरा छोटा भाई जो कि पत्रकार है राजेंद्र सोनी, उसको फ़ोन कॉल आता है और गाली गलौज की जाती है, मारने की धमकी दी जाती है। इसकी हम सैनिक परिवार निंदा करते हैं और मेरा संगठन अगर इस प्रकार के अपराध अगर खुलेआम घूमते हैं और कानून उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। बड़े स्तर पर हम चाहते हैं कि ऐसे अपराधी पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए।